क्या आपने कभी आइसक्रीम खाई है या फिर मूंगफली? चलिए छोड़ो, बिस्कुट तो आपने ज़रूर खाया होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इससे भी अधिक चीज़ें खाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें बनती कैसी हैं, इन सबको बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, या फिर इनके बनाने के तरीके को कुछ अलग नाम दिया जाता है, या फिर सिंपली इसको कुकिंग कहते हैं, जैसे कि घर पर खाना बनाने को कुकिंग कहते हैं, क्या आइसक्रीम बनाने को भी कुकिंग कहेंगे? इसी तरह के कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर चलते होंगे। खाना बनाने को लेकर आपके मन में जो भी डाउट है, इस वीडियो में हम सारे डाउट आज क्लियर करेंगे और सीखेंगे कि खाने को बनाने के अलग अलग तरीके को क्या कहते हैं। अक्सर हम लोग नाश्ते में डबल रोटी, रस या फिर फैन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम चाय में डुबोकर खा सकें। ये सारी चीज़ें बहुत हल्की होती हैं और खाने में बहुत ही लजीज होती हैं। इनको बनाने का तरीका बाकी सबसे अलग होता है। इसको बनाने के तरीकों को बेकिंग कहते हैं। अब बात करते हैं बॉयलिंग की, यानी कि ऐसे फूड आइटम जिनको हम बॉयल या उबालकर खाते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं जिन्हें हम पकाकर, मसालों में पकाकर नहीं खाते हैं, बल्कि हम उसे पानी में उबालकर खाते हैं, जैसे कि चावल, अंडे, खीर, स्वीट पोटैटो और ऐसे ही कई और प्रकार की चीज़ें। क्या आपने कभी पकौड़ी खाई है या फिर समोसे? आपने ये सब चीज़ें खाई हैं तो आपने देखा होगा कि इन चीज़ों को पकाने के लिए तेल में फ्राई किया जाता है। तो अगला हमारा जो वर्ड है वो है फ्राइंग, यानी कि तलकर खाई जाने वाली चीज़ें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम तेल में फ्राई करके खाते हैं, जैसे कि समोसे, पकौड़ी, पूरी, भटूरे और अन्य बहुत सारी चीज़ें। क्या आपने ये वर्ड सुना है, रोस्टिंग? नहीं सुना, कोई बात नहीं। रोस्टिंग का हिंदी में मीनिंग होता है भुनना। अब वो सारी चीज़ें जो आप भूनकर खाते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए या फिर उसके बारे में सोचिए। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप भूनकर खाते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मूंगफली, मक्का, मीट, आलू और ऐसे ही कई और चीज़ें। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि खाने को कितने प्रकार से पकाया जाता है, जिसमें सबसे पहले था बेकिंग और उसके बाद हमने सीखा बॉइलिंग और उसके बाद हमने सीखा फ्राई और लास्ट में हमने सीखा रोस्टिंग। खाने को पकाने के इसके अलावा भी और कई तरीके हैं, यदि आपको वो आते हैं या इनकी कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।